रोज तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। इन प्यारे बच्चों को देखो, मैं इनका आज ख्याल रख रही हूँ। क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? बिल्कुल, बस ध्यान से लेना। जरूर, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। कौन सबसे प्यारा बच्चा है? कौन थोड़ा ब्राउनी है? साथ में लंच करना कैसा रहेगा? ओह, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे अभी जाना होगा। गुड लक। मुझे तुम्हें मॉम डैड से मिलाने के लिए तैयार करना होगा। इतना घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। हम यहाँ एक घंटे से ज्यादा देर से बैठे हैं। मैं अपने बच्चे को कब देखूंगी? ओह, आखिरकार। गुड आफ्टरनून। ये रहे आपके बच्चे। मुझे याद है, मैंने इन्हें मिक्स नहीं किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। डियर पेरेंट्स, अब आप इन्हें ले सकते हैं। ये जरूर हमारा बच्चा है ना? खैर, हाँ बिल्कुल। अपने डैड के पास आओ। मॉमी ने तुम्हें बहुत याद किया है। तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत अच्छा और दौलत से भरा होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पैसे कैसे बचाएं और मिल्क डिस्काउंट पर बैटल्स कैसे जीतते हैं। इसके गाल बहुत प्यारे और पिंक हैं। ओह, ये भी तुम्हें देखकर खुश हुआ होगा। आपका लड़का असली शूटर है। दो अनोखे बच्चों की दिलचस्प कहानी शुरू हो गई है। प्यारा घर। फिल, ये कौन है? यही, मुझे पैसे मिल गए हैं। उप्स, हाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? तैयार हो जाओ, हमारा बच्चा बस टॉयलेट ही जाने वाला था। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। चलो बिना हथियार उठाए सब सही कर लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस रख दूंगा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो और इसके बाद आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। कितना बदमाश था। अच्छा हुआ कि हम सही समय पर आ गए थे। हनी, तुमने बहादुरी से काम किया, अब आराम करना चाहते होगे? ओह, डैडी तुम्हारे खिलौने ला रहे हैं, तुम्हें ये पसंद आएंगे। ये रहा, इन्हें ले लो। ये स्माइल कर रहा है, इसे ये पसंद आया है। ये हमारा ही बेटा है। तुम अमीरी और दौलत में रहोगे। घर में स्वागत है डियर। ये मामूली सा और कार्डबोर्ड का है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। अब चलो तुम्हें आराम करने देते हैं, फिर मैं भी आराम करूंगी। लग रहा है तुम आराम नहीं करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक फिश मॉलस्क से मिली। उसके पास एक सुंदर पर्ल था। फिश को वो बहुत पसंद आया, इसलिए उसने मॉलस्क से वो चुरा लिया। रो मत, मेरे पास दूसरा आइडिया है। गरीब मिसेस मिचेल अपनी बेटी के लिए कोई खिलौना या बुक नहीं खरीद सकती, इसलिए उसने खुद ही उन्हें बनाया। हालांकि वो थोड़े मामूली हैं। ये एक एयरप्लेन और 2D किटन टॉय है। इसे भूख नहीं लगी और ये वेजिटेरियन भी है। ओह हेलो, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये मेरे लिए है। आपको बहुत सारे विटामिंस खाने की जरूरत है। शुक्रिया, मुझे एप्पल्स पसंद है। ओह, तुम्हें भी ये पसंद है? फिर इसे तुम्हारा नया खिलौना बना देते हैं। लूसी, क्या तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखोगी? खैर, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? शुक्रिया, तुमने मेरी मदद कर दी। मैं काम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। चिंता मत करो, मैरी कम रोती है। बढ़िया। हे, ओह नहीं, हमारे बच्चों ने पेसिफायर मिक्स कर दिए हैं। ये लो, ये अच्छा रहेगा। 16 साल बाद मैं बर्गर को ठंडा नहीं होने दूंगा। खैर, मेरी टी शर्ट गंदी हो गई है, मुझे ये साफ करना पड़ेगा। ओह नहीं, मुझे मेरे कपड़े साफ करने में बहुत समय लगेगा। ऐसा लग रहा है मेरे सारे कपड़े यहीं पर हैं। खैर, इसका मतलब है मुझे इन्हें बदलना होगा। हेलो, मुझे नए कपड़े चाहिए और लेटेस्ट कलेक्शन वाले। ये लीजिए, जैसा आपने बोला था, इसमें सीजन के नए ट्रेंड वाले भी हैं। मैं समझ गया, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया, बाय बाय। क्या मैं इन कपड़ों को भी फेंक सकता हूँ? वैसे भी ये सब पिछले साल के हैं। ओह, क्या कपड़ों की बारिश हो रही है? मैं बहुत लकी हूँ। अब मैं खुद का बिजनेस शुरू करके पैसे कमाकर नया बॉक्स खरीद सकता हूँ। स्टाइलिश कपड़े कम दाम में। ऐसे अनोखे ऑफर को मिस मत करो। उतना बुरा नहीं है, ये डिजाइनर कपड़े लग रहे हैं। आपको ये मॉडल कैसा लगा?
मुझे इसका कलर पसंद आया, मैं इसे लूंगी। तुम्हारी पसंद अच्छी है। आह, गुड बाय मेरे आखिरी सिक्के, लेकिन हमें कपड़ों की जरूरत है। मेरे हिसाब से जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो दाम बढ़ा देना चाहिए। इधर देखिए, कुछ अच्छे कपड़े खरीदिए। मारी, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये नई टी शर्ट्स। बढ़िया है, शुक्रिया। एक दाग है। उप्स, मुझे ये नहीं दिखा था। आपने ये गंदे कपड़े कहाँ से खरीदे? उस बेगन आदमी के यहाँ से। लॉन्ड्री के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ, तो अंदर जाओ। हे, मैं खुद तुम्हें कपड़े दूंगी। ठीक है, क्या गरीब मारी और मिसेस मिचेल के पास वॉशिंग मशीन है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके पास दिमाग है। मुझे कपड़े धोना पसंद नहीं है। वो हो, एक सिक्का, मैं इसे ले सकती हूँ, मुझे ये पसंद है। फैशन अब बहुत अजीब हो गया है। ओह, तुमने कर लिया, शाबाश। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे डैडी एक एस्ट्रोनॉट है, वो जरूरी मिशन से स्पेस में है। वाह, ये बहुत कूल है, मैं भी स्पेस में जाना चाहती हूँ। हे हैंडसम, तुम मुझे बाहर रेस्टोरेंट में ले जाना चाहते हो? माफ करना, मुझे स्मार्ट लड़कियाँ पसंद है। गुड मॉर्निंग, नए स्टूडेंट को हेलो बोलो। अब मैरी आपके साथ पढ़ेगी। हेलो सभी को, ये प्यारी है। इस बेकार से बाल को क्या हुआ है? तुम एक पढ़ाकू हो क्या? निकोल, अभी तुरंत ये सब करना बंद करो। ओह, माफ करना, तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम सबको याद होगा कि आज तुम्हारा टेस्ट है। इस बेकार से टेस्ट की किसको जरूरत है? तुम्हारे पास लिखने के लिए आधा घंटा है। हे लियो, मुझे तुम्हारा आंसर देखकर लिखने दो, मुझे परेशान मत करो। निकोल, तुम्हें पता है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? मुझे पता है, इसका आंसर 8 है। वैसे तुमने ये वाला गलत किया है। शुक्रिया। हे पढ़ाकू, मेरी भी मदद करो, वैसे भी ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। इसका क्या आंसर है? ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट दूंगी, उसे लिख लेना। ये इसकी मदद क्यों कर रही है? मैं प्लान समझ गया हूँ। टेस्ट का रिजल्ट ये रहा। मैरी, शाबाश, मुझे अच्छा ग्रेड मिला है तुम्हारी वजह से। क्या? एफ? तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ये अच्छा आइडिया था। मैं तुम्हें देख लूंगी। मारी, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए है। वाह, तुम बहुत लकी हो, ये मेरा पहला स्मार्टफोन है। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया है। तुम क्या खाना पसंद करोगी? एक बर्गर प्लीज। बॉन एपेटीट, तुम क्या लोगे? मुझे फ्रेंच फ्राइज, चिकन विंग्स और ब्रोकली चाहिए। ये लो। शुक्रिया, यहाँ का खाना स्वादिष्ट लग रहा है। हे लूजर, ये गलत आंसर बताने के लिए है, सारा खाना मेरे ऊपर आ गया है। बॉन एपेटीट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये लो, मिसेस ब्राउन, मैंने कुछ नहीं किया है। हे भगवान, ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मैं आज ही तुम्हारे पेरेंट्स को अपने ऑफिस में मिलना चाहती हूँ। ये ठीक है, इनके साथ यही होना चाहिए। और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से पहले ही 5 बार बात कर ली है। आपको इन्हें एक सबक सिखाना होगा। ये मेरे ऊपर खाना फेंक रहे थे, ये बहुत बुरी बात है। इस शरारत को अनदेखा नहीं कर सकते। मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, ये हमारी गलती नहीं थी। निकोल ने ये सब पहले शुरू किया था, मैं आप पर नहीं फेंकना चाहती थी। मैं अपने कॉलेज में ऐसी शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कोई फूड फाइट नहीं चाहती हूँ। मुझे बाद में अपने बालों से फ्राइज निकालना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मिसेस ब्राउन, मैं वादा करती हूँ मैरिस से मैं घर जाकर बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। रुको, तुम्हें मेरी तरह बर्थ मार्क कैसे मिला है? हैरानी की बात है, ऐसा लग रहा है किस्मत ने खुद इन दोनों फैमिलीज को प्रिंसिपल के ऑफिस में इस दिन पर मिलने के लिए बोला है। क्या हमारी एक ही आदत है? ये एक मामूली घटना नहीं लग रही। क्या होगा अगर इसका मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हारा चेहरा, तुम मेरे हस्बैंड चार्ट की तरह दिखते हो जब वो जवान थे। बिल्कुल एक जैसे हो। क्या तुम भी जब नर्वस होती हो तो अपने कान को टच करती हो? सुनिए, डीएनए रिजल्ट तैयार है। खैर, ऐसा लग रहा है बच्चे अब अपने असली पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। मैरी इसे कैसे संभालेगी?
चलिए देखते हैं। खैर बेटा, ये हमारा घर है, ये बहुत सुंदर है। तुम्हारा लुक हमारे पोजीशन से नहीं मिल रहा, हमें इसे ठीक करना होगा। नहीं है क्या ये जरूरी है? कभी और करें? नहीं नहीं, अभी। वाओ, अब ये ठीक है। गोल्ड सीक्वेंस तुम पर अच्छा लग रहा है। अच्छू, ओह, जैकलिन सही बोल रही है। ओह, ब्लेस यू मेरी बच्ची, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे साथ आओ, मजे करना गर्ल्स। एरिक डार्लिंग, मेरी बेटी मैरी से मिलो, तुम्हें पता है क्या करना है। मैं समझ गया हूँ मिसेस हंटर। हेलो मैरी। ओह, सुंदर नाखून है, तो अब तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनने वाली हो। तुम सुंदर दिखने वाली हो, मुझ पर भरोसा करो। चलो मेकअप शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे लिए बस महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करूंगी। ओह, ये बहुत प्यारी है। एरिक डायमंड नेकलेस को मत भूलना, ये नहीं हो सकता। मिसेस हंटर, ये हो गया, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। खैर तुम्हें ये कैसा लगा? अच्छा, शुक्रिया एरिक, तुम बेस्ट हो हमेशा की तरह। अच्छा, खुशी हुई कि आपको पसंद आया। ऐसा लग रहा है इसे गोल्ड से एलर्जी है। मारी, अगर तुम इसे साफ करना चाहती हो तो बाथरूम यहाँ है। ये लो, ये मेरे लिए है। हाँ शुक्रिया नीर। अच्छा, बेचारी मारी ने अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतना शानदार जीवन बिताएगी, और अब उसे इन्हें कैसे संभालना है वो सीखना होगा। नहीं, ये मुझे साफ नहीं कर रहे। ओह, यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल है, ये किस लिए होगा? चलो देखते हैं। कितना अच्छा गाना है, और ये बटन किस लिए है? वाओ, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा बात पसंद है। चलो देखते हैं हमारे पास और क्या है। ओह ओह ओह, तुमने मुझे बुलाया है। ओह, मुझे माफ करना मिस मारी, मैं जा रहा हूँ। खैर ये और बुरा हो सकता था। ठीक है, मैं खुद के लिए एक फेस मास्क बनाऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना होगा। ये गोल्ड है, खैर कम से कम मुझे कोशिश करनी चाहिए। वाओ, ये अच्छा नहीं दिख रहा, और किसे ऐसे पानी की जरूरत पड़ती होगी? ओह रुको, शायद मुझे पता है किसको जरूरत है। मेरे पेरेंट्स बुरा नहीं मानेंगे, आखिरकार हमारे घर में गोल्ड वाटर सप्लाई है। क्या मुझे भी थोड़ा सा मिल सकता है? बिल्कुल। वाओ, मैं अब अमीर हूँ। आखिरकार मैं बॉक्स के लिए एक मैट्रेस खरीद सकता हूँ। ये बस सैलेड नहीं, आर्ट का काम है। आपका डिनर अच्छा है। बॉन एपेटेट, ये मेरे लिए है। खैर सभी के खाने की आदत इन अमीर लोगों जैसी नहीं होती। आप ये सब कैसे खा सकते हैं? इसमें कम से कम एक टमाटर होना चाहिए था। मैरी खुश नहीं है। मैं ये नहीं खा सकती हूँ, मुझे लगता है बर्गर थोड़ा सही रहेगा। हाँ बर्गर खाकर देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा, मुझे शक है। ये भी अच्छा नहीं है। भरोसा करना मुश्किल है कि ऐसे अमीर घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैरी खा सके। ओह मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। मिस मैरी, मेरे पास आपके लिए ट्रीट है। ओह आखिरकार एक अच्छा खाना, लेकिन ये खाना बटलर के लिए है। फिर तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा? मैं क्या कर सकता हूँ, जरूरी ये है कि वो भूखी ना रहे। मुझे हमेशा से एक डांस मैट चाहिए थी, ये बहुत मजेदार है। ओह अच्छा है कि मिस मारी बोर नहीं हो रही। ओहो आउच, ये दर्द हो रहा है। हनी क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई है? हेलो, हमें अभी एक एम्बुलेंस चाहिए, हमारी बेटी के हाथ में चोट लग गई है, जल्दी आओ। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमें खुद ही इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। आपकी बेटी को फ्रैक्चर हुआ है, मुझे पता था, इसलिए डॉक्टर हमारी बेटी को सबसे अच्छे प्लास्टर कास्ट की जरूरत है। जरूर, जैसा आप कहें, हम आपको बहुत पैसे देंगे। आपकी कोई और खास रिक्वेस्ट है? मैंने बोला है सबसे अच्छा कास्ट जो हो, सबसे महंगा वाला। सब्र करो हनी, खैर आप किसका इंतजार कर रहे हो, अपना काम करो। गोल्ड और डायमंड का बना हुआ प्लास्टर कास्ट, ये हमारा सबसे अच्छा पीस है। ये अच्छा है डॉक्टर डार्लिंग, पैसे। शुक्रिया मिस्टर जॉनसन। खैर आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, हो गया, अब आप जा सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ डियर। कास्ट बहुत भारी है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ओह हाँ, हम मुसीबत में हैं। नील यहाँ आओ, आपको मेरी मदद चाहिए। मिसेस हंटर, मैरी की कार तक जाने में मदद करो। मुझे पता था इनका दिखावा अच्छा नहीं होगा। चलो भी, उठा लिया। वाओ तुम कितने ताकतवर हो। खैर बढ़िया, हमारे हॉस्पिटल में आपका हमेशा स्वागत है, बहुत स्वागत है।
बेटा मैं और तुम्हारी मॉम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मालदीव जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो नील को बोल देना, मजे करना। और ये लो थोड़ी पॉकेट मनी तुम्हारे लिए, कितना है? वाओ, यही नहीं होता। शुक्रिया डैडी, बाय बाय, छुट्टियाँ अच्छी रहे। आजादी, मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हैं और मेरी मॉम जूलिया के पास पैसे नहीं है, मुझे उनसे ये बचाने होंगे। लेकिन मैंने कहाँ छिपाऊं, मेरे पास एक आइडिया है। ओह, यहाँ कुछ भी फिट नहीं हो सकता। मुझे पता है, मैं इसे यहाँ छिपा सकती हूँ। मुझे हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं दूसरी जगह ढूंढ लूंगी। मजाक है क्या, हर जगह पैसे हैं। मैं अपने पैसे इन बिल्स में खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। ये बेकार है, अच्छा रहेगा कि मैं इसे अपने कमरे में छिपा दूं। नील क्या कर रहा होगा? जब तक तुम जवान हो डांस करो। ओह, मुझे माफ करना, ये अजीब था। मेरे कमरे में पैसों को छिपाना अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पर भी कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ तक कि मेरा पिलो भी बिल से भरा पड़ा है, ये काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसों को अलग छिपाना होगा। रुको, मुझे एक अच्छी जगह पता है। मेरा ईमानदार बेगल मिसेस मिचेल के लिए पैसे को बचाएगा। मुझे माफ कीजिए मिस मारी, ये दोबारा नहीं होगा। आपने जो देखा उसे हमारे बीच ही रहने दो। नहीं नील, कोई बात नहीं, प्लीज इसे ले लो। नील, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, मुझे भी डांस करना पसंद है। शुक्रिया मैरी। ऐसा लग रहा है मैरी मिस्टर बेल के साथ बिल्कुल बोर नहीं होगी। हाय डैडी, आप वापस आ गए हैं। तुम क्या देख रही हो? मेरा फेवरेट टीवी शॉपिंग शो। दिलचस्प, हमारा नया आईफोन अपने शानदार शेप और अच्छे प्रोसेसर से आपका दिल जीत लेगा। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं हमारे पहले कस्टमर को सुन सकती हूँ। अच्छी पसंद है मिस्टर, स्मार्टफोन आपका है। बढ़िया डार्लिंग, ये तुम्हारा हुआ। डैड, मेरे पास पहले से ही एक है, लियो ने मुझे दिया था। ओह, इसे भी रख लो। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारे पास अच्छे ग्लासेस के लिए भी पैसे नहीं है। तुम हमारे कॉलेज के लायक नहीं हो। चलो स्टेफनी, बेचारी वो उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ेगी। लूजर, फिर मिलेंगे डरपोक। मुझे किसी भी तरह से उसकी मदद करनी होगी, मैं समझ गई। ओह, ये क्या है? ये मेरे लिए है, इस पर एक नोट है, बेवकूफ लड़कियों पर ध्यान मत दो, अब उन्हें तुमसे जलने दो। क्या? उसके पास लेटेस्ट आईफोन है, क्या सरप्राइज है। वाओ एमिली, हम बस मजाक कर रहे थे, लग रहा है ये काम कर रहा है, अब वो इसे परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे ग्लासेस अच्छे हैं एमिली, कुछ अच्छा करने के बाद अच्छा लगता है। उम्मीद है मैं उन्हें जगा ना दूं। ओह मारी, क्या हो रहा है? तुम आधी रात को कहाँ जा रही हो? मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने वापस मिसेस मिचेल के पास जाने का फैसला किया है। मैं इस अमीर जिंदगी के लिए नहीं बनी हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा, वेल्थ की आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, तुम्हें थोड़े और समय की जरूरत है। मुझ पर भरोसा करो, साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या मैरी अपने असली पेरेंट्स को छोड़ देगी? हम पहुँच गए हैं, मेरी सबसे कीमती चीज यहाँ रखी है, पैसे और गोल्ड और एक दूसरा सेफ। हमें सेफ की जरूरत है, एक डॉल। ये बस एक डॉल नहीं है, जब मैं छोटी थी मैं और मेरे डैड बहुत गरीब थे, लेकिन वो जितना कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए सब किया। उन्होंने अपने शूज को बेचकर ये डॉल मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी। जैकलिन बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आहा, शुक्रिया डैडी, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया है, ये सुंदर है। डैडी, आपके शूज कहाँ है? हाँ, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, मैंने उन्हें खो दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं दूसरे ढूंढ लूंगा। मुसीबतों के बारे में मत सोचो, आज तुम्हारा दिन है। ये कहानी है, कितनी इमोशनल कहानी है। अब मैरी सोने चलते हैं, हम सुबह कुछ सोच लेंगे, ठीक है? बढ़िया, मैरी अंदर आएगी और हम किनारे हट जाएंगे, अब चुप रहो। गुड मॉर्निंग, आप यहाँ क्या छिपा रहे हैं? क्या नहीं, किसको? सरप्राइज मैरी, बेटा मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। इसका क्या मतलब है? मिसेस मिचेल हमारे लिए काम करेंगी, सच में ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये और लियो हमारे साथ रहने वाले हैं। मिसेस मिचेल और लियो कहाँ है? लियो, लियो, हाँ, उसे कुछ हो गया है क्या? इसी बीच
लियो अपने नए कॉलेज में चला गया है और वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तुम्हें पता है फेमस होना आसान नहीं होता। हाँ थियो, इसके बारे में सोचना भी मत। कैरल को बस टफ गाय पसंद आते हैं। मेरे सामने इस लूजर के पास कोई मौका नहीं है। इतनी जल्दी मत खाओ, ये अटक जाएगा। तुम क्या देख रहे हो? ओह माय, मदद करो। रुको थियो, तुम कहाँ जा रहे हो? कितना डरपोक है। मुझे उम्मीद है सभी ने देखा हो मैं कितना अच्छा हूँ। आउच, मैंने पकड़ लिया। कभी कभी कूल बनने के लिए सही वक्त पर सही जगह होना काफी होता है। और लियो लकी है। कैरल, मेरा क्या होगा? मेरे डिवीजन में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं इस सीजन का सबसे अच्छा रेसलर हूँ। एंड्रयू, तुम बहुत कूल हो। हाय। ओह, कितना प्यारा हैमस्टर है। हाँ, लड़कियों का ध्यान खींचने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हैमस्टर, हैमस्टर, ये बस एक मामूली सा फ्लफी चूहा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन ज्यादा कूल है। मुझे देखो, हाथ हटाओ बुरे लड़के। मेरी बेचारी उंगली। हाँ, मिस्टर लेमन खुद को बचा सकता है। अपने हाथ को मेरे घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत प्यारा बच्चा है और एंड्रयू जिसके लायक था वो उसे मिल गया। ये अभी तक यहाँ है। चलो भी एंड्रयू, गुस्सा छोड़ो। तुम इसके साथ खेलना चाहते हो? मैं खेल सकता हूँ? बिल्कुल, बस इस बार आराम से। आखिरकार हैमस्टर कूल होते हैं। मुझे भी ऐसा एक चाहिए। या दो ठीक रहेंगे। ज्यादा फेमस होने का इतना प्यारा तरीका काम करना ही चाहिए। स्टूडेंट कैफेटेरिया का खाना हेल्दी होना चाहिए। लेकिन किस बच्चे को सब्जियाँ पसंद होंगी? थियो, मेरा कनेक्शन है। वेटर मेरा अच्छा दोस्त है। इन लोगों को ये लंच जरूर पसंद आएगा। बॉन एपेटीट। हे, ये मेरा बर्गर है, इसे वापस करो। मैंने इसे पहले देखा था। ये लो। चीजें बिगड़ गई हैं। बर्गर के लिए असली लड़ाई है। पूरा कॉलेज इस लंच के बारे में जरूर सुनेगा। तुम ये लो। तुम्हें ये फ्राइज कैसे लगे? हाँ? खैर, लियो का फेम बढ़ गया है। बस बहुत हुआ, मैं हार मानता हूँ। मुझे ये पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मैं पॉपुलर और कूल हूँ। लड़कियाँ मेरी तारीफ हाई स्कूल से करती हैं। ये अच्छा था। शुक्रिया, जीत मेरी होगी। कॉलेज में पॉपुलर होने का आसान तरीका टैलेंट कंपटीशन को जीतना होता है। गुड आफ्टरनून लियो। मैं बस एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ। मैं एक दिन स्टार बनूंगा। हाँ, ये उतना भी बुरा नहीं है। अब मैं बहुत ऊंचा गाऊंगा। ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये परफॉर्मेंस नहीं जीतेगा। ऐसा लग रहा है लियो ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। ये बुरा है, लेकिन इस बार उसका फेमस होने का सपना टूट गया है। हमारी ड्रिंक्स को खराब कोई नहीं कर सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा आज तुम्हारा टेस्ट है। ओह, ये मुश्किल नहीं है, मैं जल्दी कर सकता हूँ। इसका ई, इसका सी और इसका भी सी है। हो गया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। और किस तरह आप अपने कॉलेज के क्लासमेट का प्यार पा सकते हैं? एक अच्छा रास्ता है, टेस्ट के आंसर्स को शेयर कर दो। वाओ, शुक्रिया लियो। लियो का मैसेज। ओह, ये बच्चे भी। तुम्हें और अलर्ट होना चाहिए कि तुम किसके साथ चैट ग्रुप में हो। हमने टेस्ट को पूरा कर दिया है मिस्टर बेल। अच्छी बात है, चलो अब इन्हें चेक करते हैं। हाँ, किसी ने मुझे कुछ भेजा है। मुबारक हो लियो, तुम्हें एफ मिला है। अगली बार अपने आंसर्स बताने से पहले दोबारा कई बार सोचना। लियो ने जितना सोचा था, फेमस होने की कीमत उससे काफी ज्यादा है। लियो, इसे पकड़ो, ये फैसले का समय है। हाँ, उसने कर दिया। लियो हमारा चैंपियन है। लियो, हम तुमसे प्यार करते हैं। उठो आलसी, तुम क्लास के लिए लेट हो रहे हो। या तुम्हें और पानी चाहिए? नहीं मॉमी। सिलियर्ड शूज सबसे सिंपल जिंदा मूव करने वाली सेल है। ये स्नैक का समय है।
ये अच्छा है। लियो, क्या तुम अपनी कैंडी शेयर करोगे? बच्चों, क्या बात है, बात करना बंद करो। हे लियो, क्या तुम थोड़ा हमें भी दोगे? एक मिनट रुको। ऐसा लगता है लियो अपने मिंट्स बांटने के लिए तैयारी करके आया है। ये लो दोस्तों। वाओ, शुक्रिया। सभी को पता है पॉपुलर वो होता है जो क्लास में अपने साथ कुछ टेस्टी रखता हो। ओह, ये बहुत ठंडा है, मैं अपना मुंह फील नहीं कर पा रही, मेरी जीभ जम गई है। हाँ, इस क्लास में एयर कंडीशनर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों ने क्या किया है? ये क्या है? क्या ये मेरा पेन है? कोई भी कॉलेज में आम स्टूडेंट नहीं बनना चाहता है, लेकिन पॉपुलर होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या हुआ लियो? मुझे तुमसे थोड़ा काम है, मुझे बस एक फोटो चाहिए। ठीक है, मेरे बाइसेप्स फोटो लेने लायक है। ऐसा लग रहा है लियो ने अपनी मुश्किल को आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अप्रैल, इस फोटो को देखो जो लियो ने पोस्ट की है। वो बहुत हैंडसम हो गया है, वो अपना ज्यादातर वक्त जिम में बिताता है। मुझे स्पोर्टी लड़के बहुत पसंद है। कैरल, मुझे वो फोटो दिखाओ। क्या? लेकिन ये तो मेरे हाथ है, तो इसलिए ये फोटो उसे चाहिए थी। वो बहुत झूठा है। हम तुम पर भरोसा करते थे एंड्रियो। हे लियो, क्या तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ताकत है? पहले साबित करो कि फोटो में तुम्हारे हाथ है। ओह नहीं, हरा दिया। अब तुम्हें पता चलेगा दूसरों के अचीवमेंट्स को चुराना कैसा लगता है। ओह, ये बुरा है। वो कहाँ है? हेलो मिस्टर बेल। गुड आफ्टरनून बच्चों, अपनी सीट पर बैठो और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, जब तक मैं ट्यूटोरियल ढूंढ लूंगा। लियो, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, बस आपको हेलो बोल रहा था मिस्टर बेल। ठीक है, अपनी सीट पर बैठो। तो बच्चों, ये रहे आपके टेस्ट पेपर्स, और मैं याद दिला दूं, आप इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकते। इसका इफेक्ट आपके स्कॉलरशिप पर पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से करना। टेस्ट शुरू करो और मैं अपनी खोज शुरू करता हूँ। वाओ, क्या ये आंसर्स है? होशियार हूँ, है ना? हाँ, क्या तुम लोग काम कर रहे हो? बिल्कुल मिस्टर बेल, ये अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब सब कुछ साफ है, और मैं यहाँ पर 20 सालों से काम भी कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। प्लान अच्छा था, पर प्रोफेसर बेल को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। खैर, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये आंसर कैसा लगा? तुम सभी को बिना रीटेक्स के साथ एफ मिलता है। ओह नहीं, मिस्टर बेल, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? नहीं लियो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने पूरे क्लास को फेल करवा दिया। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। 1, 2। अप्रैल, तुम यहाँ लेटने के लिए नहीं आई हो, आराम मत करो। मैं अब और नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए। 109, 110। शाबाश लियो, करते रहो। एक और टेस्ट पास कर लिया है, ये लो अपनी ट्रेनिंग करते रहना। बेचारी अप्रैल, मुझे शायद पता है इसकी मदद कैसे करनी है। ये ठीक है, ये काम करेगा। मिस्टर बेल कहाँ है? आखिरकार, 1, 2। खैर अप्रैल, ये काफी अच्छा है, तुम भी ये कर सकती हो। 70, 71। शाबाश अप्रैल, तुमने मुझे हैरान कर दिया। अब चलो अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया अप्रैल, तुम अच्छा प्रोग्रेस कर रही हो। 121, 122। तुम्हारे लिए अच्छा है, ये आखिरी टास्क है ना, इसे दोबारा करना मैंने जितना सोचा था उससे मुश्किल काम है। मुबारक हो अप्रैल, तुमने कर दिखाया। हाँ, मुझे उम्मीद है ये अच्छा हो। काश मेरे क्लासमेट्स इसे देखते। लियो कुछ दिलचस्प देख रहा है। वाओ लियो, क्या ये तुम हो? तुम ओकी टोकी के स्टार हो? हाँ मैं हूँ। लियो यूट्यूब स्टार है, क्रिस लियो ओकी टोकी का स्टार है। कूल, क्या हम तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? हमें उनकी वीडियोस बहुत पसंद है। खैर, हमेशा की तरह